अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चल रही नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट 2019 में डीयू को हराकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की टीम बनी चैंपियन। आप देख रहे हैं द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एमिनो दिल्ली यूनिवर्सिटी को 52 रनों से मात दी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इस्लामी बल्लेबाज हन्ना निजवान ने 120 रन बनाए, जिसमें 16 चौके और 2 छक्के भी शामिल थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने टॉस जीतकर पहले एमयू को बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया और एमयू की टीम ने जो है इस नौते को स्वीकार किया और 30 ओवर में 250 रन का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस विशाल लक्ष्य में काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और केवल 3 ही विकेट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने खोए। इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की टीम जो है 198 रन पर बुक हो गई और 52 रनों से ये मुकाबला हार गई। जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और इसके साथ में मैं बताना चाहूंगा कि 75 यूनिवर्सिटी यहाँ आई हुई थी। अपने आप में नॉर्थ इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट का ये अपने आप एक रिकॉर्ड है कि अभी तक इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज कहीं भी नहीं गई है। ये अलीगढ़ को ऐसा हासिल है कि यहाँ पे 75 यूनिवर्सिटीज आई है, जिसमें 2 टीमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मैच जीता है। मैच में रनर और देता हूँ यहाँ की स्पोर्ट कमेटी के रिजवी साहब, जिन्होंने इतना बड़ा टूर्नामेंट यहाँ ऑर्गेनाइज किया। हमारे प्रो वाइस चांसलर साहब रफीज साहब यहाँ पे हैं और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा हमारे यूपी के जो राजवीर साहब हैं, सईम साहब हैं और जिन्होंने काफी मेहनत की इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में। हमारे जर्जी को क्रिकेट के जो सेक्रेटरी हैं बाकी यहाँ पे मौजूद है, तो सबसे पहले मुबारकबाद मैं देता हूँ अलीगढ़ टेबल की टीम को जो जिन्होंने आज ये नॉर्थ जोन का फाइनल मैच यहाँ पे जीता है। और जरा मुझे उसकी शक्ल नहीं देखना जाए, थोड़ा पीछे इस तरफ आ जाए। और दिल्ली की टीम, दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीम को भी मुबारकबाद जो फाइनल तक पहुंचे। देखिए, हारने वाली टीम भी तो फाइनल तक जाती इतनी मजबूत होती है, ऐसा मान के चलिए। उसको अंडर एस्टिमेट करना बिल्कुल ठीक नहीं, तो मैं दिल्ली की टीम को भी मुबारकबाद देता हूँ। बैठे बैठे जब ये जिक्र हो रहा था तो मुझे एक बात समझ में आई, जो मुझे लग रहा है काफी दिन से मुझे थी, आज ये बात यहाँ आके मुझे बात इसका लगा एहसास हुआ कि जो यूनिवर्सिटी की टीम से यूनिवर्सिटी क्रिकेट जो होता है उसमें बहुत